भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने बाहर से लोग आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी हैं जो आपके मन में डर पैदा कर देती हैं। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगहें या हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियां सामने आती हैं। इन जगहों पर रात के समय जाना बंद है। आज हम आपको भारत की ऐसी कुछ जगहों के नाम और उनसे जुड़ी भूतिया कहानियां बताने वाले हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान, इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना बंद। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें भी यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो अपने आप छटक कर टूट जाती है। जतिंगा घाटी, असम में जतिंगा घाटी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाज़ें आती हैं। जीपी ब्लॉक, मेरठ स्थित जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत यहाँ जीपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर चार पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। अग्रसेन की बावली, दिल्ली स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोलिए तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। टनल नंबर 103, शिमला के कालका रोड पर स्थित टनल नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई आत्माएं रहती हैं। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास ही बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ एक औरत की आत्मा को टहलते हुए भी देखा है। मालचा महल, दिल्ली मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। जंगलों के बीच स्थित ये महल काफी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वालों को यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अहल्या घोस्ट लाइट्स, पश्चिम बंगाल में कई बार घोस्ट लाइट्स का जिक्र किया जाता है। यहाँ के मछुआरों का मानना है कि ये लाइट चलने के बाद आपको वहां नहीं जाना चाहिए, वरना मौत निश्चित है। ये लाइट आपको गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहां से वापस लौटना नामुमकिन है।